अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, jkbose.ac.in की वेबसाइट पर जब जाएंगे आप, वहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर जेके जॉब्स, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए डू नॉट हैव अकाउंट रजिस्टर्ड हियर, एंटर योर फर्स्ट नेम। आपको फर्स्ट नेम एंटर करना है, जेके जॉब्स, लास्ट नेम जो भी आपका लास्ट नेम है, उसके बाद मोबाइल नंबर, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड यानी कि सेम पासवर्ड देना है, उसके बाद रजिस्टर अकाउंट करना है, उसके बाद मोबाइल पे ओटीपी आएगा, उसको एंटर करने के बाद वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आएगा लॉगिन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड देना है जो भी आपने रखा है पासवर्ड, उसके बाद लॉगिन टू अकाउंट करने के बाद पर्सनल डिटेल आएगी, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम जो भी आपका है, उसके बाद फादर्स फर्स्ट नेम, फादर्स मिडिल नेम, फादर्स लास्ट नेम, आधार नंबर, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसका नंबर दीजिए, अगर नहीं है तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, उसको ऑप्शनल रखा है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी देना है, उसके बाद अल्टरनेट ईमेल आईडी, कैटेगरी में देना है, अगर आपके पास ओपन मेरिट है तो ओपन मेरिट दीजिए, आरबीए है तो आरबीए दीजिए, जो भी आपका है वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद हाउस नंबर, अगर नहीं है तो ज़रूरत भी नहीं है, विलेज लिखिए, कहाँ रहते हैं आप, तहसील क्या है, लैंडमार्क जिससे पहचान हो सकती है, नियर बाई कोई भी एरिया है। उसके बाद पिन कोड डाल दीजिएगा, एंड उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये बता रहा है कि आपने ये नहीं दिया है, फादर उसने नहीं दिया, सपोज़ इसमें भी मैं जेके जॉब से रखता हूँ, लास्ट नेम में भी अलर्ट रखता हूँ, डेट ऑफ बर्थ में देता हूँ 20, भी कर सकते हैं आप, ईमेल के साथ स्टार है यानी कि ये ज़रूरी एंटर करना है, jkjobs0@gmail.com। अब स्टार किस पे है वो देख लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, अल्टरनेट की ज़रूरत नहीं है, तो विलेज दिखा रहा है, तो मैं सपोज श्रीनगर सब में रखता हूँ, लैंडमार्क अगर देना चाहेंगे तो दे दीजिए, अगर नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, पिन कोड कुछ भी मैं दे रहा हूँ लेकिन आप अपना दे दीजिएगा, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अब अकेडमिक डिटेल्स आ गई, अगर आप जम्मू में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो जम्मू सेलेक्ट कीजिए, अगर श्रीनगर तो श्रीनगर। अब यूनिवर्सिटी कहाँ से बीए बीएससी किया है, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी, जहाँ से भी आपने किया तो वो दे दीजिए। उसके बाद क्या किया है, किया है बीएससी, किया है बीकॉम, किया है, उसके बाद रोल नंबर कीजिए एंटर, कुछ भी मैं दे रहा हूँ, कोर्स ड्यूरेशन यानी कितने सालों में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है 3 ईयर्स, और कौन से साल में पास किया है, सपोज मैं लिख रहा हूँ 2010, और परसेंटेज क्या है,
उसके बाद फिर से सेव एंड कंटिन्यू। अब इमेज अपलोड करनी है, ये देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है द साइज ऑफ फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 200 KB। अगर आपके पास 1 MB का साइज़ है तो गूगल प्ले में जाइए, रिड्यूस साइज़ एप्लीकेशन आती है उसमें सेलेक्ट कीजिए, उसमें आप रिसाइज कर सकते हैं, उसके बाद अपलोड कीजिए। उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ, मैं ऊपर दिखा रहा हूँ रिव्यू, आप देख सकते हैं क्या क्या डिटेल आपने दी है तो वो ठीक है कि नहीं, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।